निम्नांकित बाकियों के आधार पर एक तलपट तैयार कीजिए। सैलरी 5,800, रेंट एंड टैक्सेस 1,200, प्रिंटिंग 800, रेलवे फेयर 1,500, डिस्काउंट 2,200, क्रेडिटर 40,000, डेटर 30,000, फर्नीचर 2,500, बिल्डिंग 35,000, गुड्स अकाउंट क्रेडिट 16,000, कैश अकाउंट 26,000, ड्रॉइंग अकाउंट 1,000, कैपिटल 50,000। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हम एक फॉर्मेट से, जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा नेम्स ऑफ अकाउंट का, उसके बाद एलएफ का और डेबिट अमाउंट और नेक्स्ट क्रेडिट अमाउंट का। जैसे कि हमने ट्रायल बैलेंस के रूल देखे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पोस्टिंग करते जाएंगे। हमने देखा कि संपत्ति और दायित्वों का कौन कौन सा बैलेंस होता है। संपत्तियों में हमने देखा कि डेबिट बैलेंस होता है इनका हमेशा, दायित्वों का क्रेडिट बैलेंस होता है। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जितने भी इनकम और गेन होती है वो प्रॉफिट होती है वो क्रेडिट होती है। तो इसी के बेस पे हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी, क्योंकि ये एक प्रकार का एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे 5,800 और क्रेडिट में डैश कर देंगे। सेकेंड रेंट एंड टैक्सेस, ये भी एक एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे 1,200। प्रिंटिंग एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे 800। रेलवे फेयर एक्सपेंस है इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे 1,500। डिस्काउंट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। अगर डिस्काउंट पे दिया है तो हम उसको एक्सपेंस मान के डेबिट में लिखते हैं, और अगर डिस्काउंट रिसीव दिया है तो वो रिसीव है और उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन अगर डिस्काउंट के बारे में क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है तो हम उसको डिस्काउंट पे ही मानते हैं और डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट के अमाउंट को 2,200 डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिटर, क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में आएगी 40,000। डेटर्स, क्योंकि एसेट्स है इसलिए डेबिट में आएगा 30,000। फर्नीचर, क्योंकि एसेट्स है इसलिए डेबिट में आएगा 2,500। बिल्डिंग एक प्रकार की एसेट्स है इसलिए डेबिट में आएगी 35,000। गुड्स डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, क्योंकि गुड्स हम परचेस भी कर सकते हैं और सेल भी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्पष्ट रूप से ब्रैकेट में क्रेडिट दिया गया है इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 16,000। कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे 26,000। ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस होता है, हम जब भी विड्रॉल करते हैं हमारे पास माल आता है तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे ड्रॉइंग में 1,000। और कैपिटल, क्योंकि लायबिलिटी है तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 50,000। अब हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों साइड का टोटल 1,06,000 इक्वल आता है। रमेश कुमार के बहियों में निम्न शेष उपलब्ध हैं। इन शेष के आधार पर 31 दिसंबर 2003 को तलपट तैयार कीजिए। प्रारंभिक रहतिया 2,900, ओपनिंग स्टॉक ठीक है, प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक 2,900, क्रय परचेस 8,000, सैलरी विक्रय 15,000, वेजेस मजदूरी 2,750, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न 100, विविध लेनदार सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,000, विविध देनदार सन्ड्री डेटर्स 2,000, कैपिटल पूंजी 6,000, मरम्मत रिपेयर 100, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यात्रा व्यय 250, गाड़ी भाड़ा कैरेज 150, बीमा इंश्योरेंस 50, कमीशन 150, किराया व दर रेंट एंड टैक्सेस 250, रोकड़ कैश 50 रुपीज, बैंक शेष बैंक बैलेंस 1,350, व्यापारिक व ट्रेड एक्सपेंसेस 150, भवन बिल्डिंग 2,000, मशीनें 1,000, वेतन सैलरी 900, परचेस रिटर्न क्रय वापसी 150।
तलपट बनाने के लिए हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ अकाउंट रहेगा, सेकंड कॉलम एलएफ का रहेगा, थर्ड कॉलम डेबिट बैलेंस और फोर्थ कॉलम क्रेडिट बैलेंस का रहेगा। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड में लिखेंगे 2900। परचेस अकाउंट, परचेस है, जब भी परचेस करते हैं गुड्स आती है हमारे पास, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिखेंगे 8000। सेल्स अकाउंट, सेल हम जब भी करते हैं क्रेडिट में जाता है, जाता है माल हमारे पास से, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में हमने लिखा 15000। वेजेस, क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट में आएगा 2750। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न करेंगे, गुड्स हमारे पास आएगा और आता है गुड्स टू डेबिट होता है, तो ये आएगा डेबिट साइड में। परचेस रिटर्न 150, परचेस रिटर्न कर रहे हैं, जा रहा है गुड्स हमारे पास से, क्रेडिट होगा 150। सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्पष्ट रूप से दिया गया है, लायबिलिटी है 1000 क्रेडिट में। सन्ड्री डेटर्स, एसेट्स है 2000 डेबिट साइड। कैपिटल लायबिलिटी है, क्रेडिट में लिखेंगे 6000। रिपेयर एक्सपेंस है, डेबिट में लिखेंगे 100। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा 250। कैरेज एक्सपेंसेस 150 एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट में आएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा 50 रुपीज। कमीशन 150 एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा। रेंट एंड टैक्सेस 250 एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा। कैश, कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे 50 रुपीज। बैंक, अगर कुछ भी नहीं दिया गया है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, तो हमको इसको डेबिट में ही लिखना है 1350। ट्रेड एक्सपेंसेस 150 क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा। बिल्डिंग 2000 एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स इसलिए डेबिट में आएगा। मशीनरी एसेट्स है इसलिए डेबिट में आएगा। और सैलरी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा। आइए डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके देखें, दोनों साइड का टोटल आ रहा है 22150 रुपीज। निम्नलिखित शेष से उचित प्रारूप में दिनांक 31 मार्च 2006 का तलपट तैयार कीजिए। परचेस 32000, डिस्काउंट रिसीव 2000, वेजेस 13000, सेल्स 60000, सेल्स रिटर्न 400, इंश्योरेंस 200, सन्ड्री एक्सपेंसेस 600, कैरेज 600, सैलरी 4000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1000, रेंट एंड रेट्स 2000, क्रेडिटर 5000, डेटर 8000, कैश बैलेंस 200, बिल्डिंग 8000, कैपिटल 24000, पेड कमीशन 600, स्टॉक 11600, बैंक बैलेंस 5400, मशीन 4000, परचेस रिटर्न 600। सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम नेम ऑफ अकाउंट्स, सेकंड कॉलम एलएफ का होगा, थर्ड कॉलम हम डेबिट बैलेंस लिखेंगे और फोर्थ कॉलम में हम क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। हेडिंग हम डालेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2006। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है परचेस अकाउंट, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड में हम इसका लिखेंगे 32000। डिस्काउंट रिसीव एक प्रकार की रिसीप्ट है, प्राप्ति है, प्राप्ति हमेशा क्रेडिट होती है तो 2000 हम क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। वेजेस 13000 एक्सपेंसेस है इसलिए हम डेबिट अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए हम क्रेडिट साइड में 60000 लिखेंगे। रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा। इंश्योरेंस क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस स्पष्ट रूप से दिया गया है इसलिए डेबिट में आएगा 600। कैरेज एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा 600। सैलरीज अकाउंट क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा 4000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा 1000। रेंट एंड रेट्स क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा 2000। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है और इसलिए ये क्रेडिट साइड में आएगा 5000। कमीशन पेड क्योंकि कमीशन पे करेंगे तो एक्सपेंस होगा इसलिए डेबिट में आएगा 600। डेटर्स हमारी एसेट्स है इसलिए ये डेबिट में आएगा 8000। स्टॉक एसेट्स है इसलिए डेबिट में आएगा 11600।
कैश एसेट्स है इसलिए डेबिट में आएगा 200, बैंक एसेट्स है इसलिए डेबिट में आएगा 5400, बिल्डिंग एसेट्स है इसलिए डेबिट में आएगा 8000, मशीनरी डेबिट है इसलिए डेबिट में आएगा 4000, कैपिटल लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में आएगा 24000, और रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेस किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, जा रहा है गुड्स हमारे पास से, तो ये क्रेडिट में आएगा 600। टोटल जब हम डेबिट और क्रेडिट का करेंगे तो टोटल आएगा 91600। एक अनुभवहीन लेखापाल द्वारा निम्न तल पट तैयार किया गया है, इसे सही प्रारूप में पुनः तैयार कीजिए। सन्ड्री डेटर्स डेबिट में 24400, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट में 18400, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में 31200, परचेस डेबिट में 107000, परचेस रिटर्न डेबिट में 4200, कैश इन हैंड डेबिट में 22000, मशीनरी डेबिट में 80400, गुडविल क्रेडिट में 20000, सेल्स क्रेडिट में 172400, सेल्स रिटर्न क्रेडिट में 15600, लोन फ्रॉम राम डेबिट 40000, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट 12800, कैपिटल क्रेडिट 114000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट 10000, कैरेज डेबिट 1200, एडवर्टाइजमेंट डेबिट 5000, डिस्काउंट रिसीव डेबिट 3000, इन्वेस्टमेंट डेबिट 16000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट 1600, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन डेबिट 6000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 353200। यहाँ पर इस प्रश्न में जो तलपट दिया गया है वो एक अनुभवहीन लेखापाल द्वारा तैयार किया गया है, इसमें बहुत सारे मिस्टेक है, इसको सुधार कर हमको एक सही ट्रायल बैलेंस तैयार करना है, या हम फॉर्मेट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस के लिए, पर्टिकुलर अलग डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटर्स के बारे में दिया गया है 24400। इस अकाउंटेंट ने भी डेटर्स के अमाउंट को डेबिट में लिखा है, यानी कि सही लिखा है, डेबिट में आएगा 24400, ऐसा इसलिए क्योंकि एक प्रकार की एसेट्स है। क्रेडिटर्स को क्रेडिट में लिखा गया है जो कि सही है, 18400 एक प्रकार की लायबिलिटी है। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है और डेबिट साइड में लिखा गया है, ये भी सही है। परचेस 107000 डेबिट साइड में लिखा गया है, ये भी सही है। परचेस रिटर्न 4200 इसने डेबिट में लिख दिया है, जबकि परचेस रिटर्न की कंडीशन में जो गुड्स होता है वो हमारे पास से चला जाता है, और ऐसी कंडीशन में हम उसकी एंट्री क्रेडिट में करते हैं, तो यहाँ पर हम इसका सुधार करके 4200 के अमाउंट को परचेस रिटर्न के सामने क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कैश इन हैंड 22000 डेबिट में सही किया गया है। मशीनरी 80400 डेबिट में सही एंट्री की गई है। सेल्स 1 लाख, गुडविल 20000, इस लेखापाल ने क्रेडिट में 20000 लिखा है, लेकिन क्योंकि गुडविल एक एसेट्स है इसलिए उसका डेबिट बैलेंस होगा, तो यहाँ हम गुडविल को डेबिट में लिखेंगे 20000। सेल 172400 क्रेडिट में लिखा गया है जो कि सही है। सेल्स रिटर्न 15600 क्रेडिट में लिखा गया है जो कि गलत है, क्योंकि सेल्स रिटर्न के दौरान जो गुड्स होता है वो हमारे पास वापस आ जाता है, इसलिए डेबिट एंट्री होगी, तो 15600 सेल्स रिटर्न के अमाउंट को हम डेबिट साइड में लिख देंगे। लोन फ्रॉम राम 40000, अब यहाँ पर इसने जो लेखापाल है 40000 के अमाउंट को डेबिट में लिख दिया है, जबकि राम से ऋण यानी लोन फ्रॉम राम का मतलब है कि हमने लोन लिया है, और अगर हम लोन लेंगे तो ये हमारा एक दायित्व बनेगा, लाइबिलिटी बनेगी, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इस 40000 को हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे लोन फ्रॉम राम। बिल्स रिसीवेबल दिया गया है और इस लेखापाल ने बिल्स रिसीवेबल 12800 को क्रेडिट में लिख दिया है, जबकि बिल्स रिसीवेबल एक प्रकार से एसेट्स है और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको हम लिख देंगे डेबिट साइड में 12800। कैपिटल 114000 क्रेडिट में दी गई है जो कि सही है, कैपिटल लायबिलिटी है।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 डेबिट में दिया गया है जो कि सही है। कैरेज एक्सपेंस है और डेबिट में इसने लिखा है जो कि सही है। एडवर्टाइजमेंट डेबिट में लिखा गया है 5,000, वो भी सही है। डिस्काउंट रिसीव 3,000, अब क्योंकि रिसीव है और यहाँ पर डेबिट में लिख दिया गया है, ये गलत है। जबकि रिसीव हो रहा है तो ये हमको, तो ये हमारी प्राप्ति है और इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट में लिखा गया है 16,000 जो कि सही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट्स है और डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इंटरेस्ट हमको रिसीव होगा और जब भी रिसीव होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, जबकि लेखापाल ने क्वेश्चन में डेबिट में लिख दिया है, इसको सुधार कर हम क्रेडिट में कर देंगे 16,000। और राम के ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन 6,000 जो दिया गया है, उसको हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि राम से हमने जो लोन लिया है उस पर हमको ब्याज देना होगा, तो ये सही एंट्री है 6,000 जो कि डेबिट में आएगा। तो इस प्रकार हमने ये जो ट्रायल बैलेंस बना था जिसमें बहुत सारे मिस्टेक थी उसको हमने सुधार लिया है। और अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम इसका टोटल कर रहे हैं तो डेबिट साइड का टोटल आता है 3,53,600 और क्रेडिट साइड का भी टोटल आता है 3,53,600। ये प्रश्न उस स्थिति के लिए है जबकि हम दोनों साइड का बैलेंस टैली हो जाने पर ये मान लेते हैं कि हमने ट्रायल बैलेंस सही बनाई है, लेकिन कई दशाएं ऐसी होती हैं जब ट्रायल बैलेंस टैली हो जाने पर भी बहुत सारी एंट्रियां हम गलत जगह पर लिख दे होते हैं, तो इस तरह की एंट्रीज को हमको एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। मनोज पुस्तपालन में अधिक कुशल नहीं है, उसने निम्नांकित तल पट तैयार किया है और आपसे अनुरोध किया है कि यदि ठीक हो तो स्वीकार कर लें और यदि गलत हो तो उसमें सुधार दें और पुनः बना दें। यहाँ हम देख रहे हैं कि उसके द्वारा जो बनाई गई बैलेंस शीट है उसमें कुछ इस प्रकार से विवरण दिए गए हैं। मनोज कैपिटल क्रेडिट 3,112, मनोज ड्राविंग्स 1,128 डेबिट, लीज होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट बैलेंस 1,482, सेल क्रेडिट बैलेंस 5,512, ड्यू फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट बैलेंस 1,060, परचेस डेबिट बैलेंस 2,536, परचेस रिटर्न डेबिट बैलेंस 528, लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट बैलेंस 500, क्रेडिटर डेबिट बैलेंस 1,056, ट्रेड एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 1,568, कैश एट बैंक 284, बिल्स पेबल 200, सैलरीज एंड वेजेस 1,196, ओपनिंग स्टॉक 528, रेंट एंड रेट्स एक्सेट्रा डेबिट बैलेंस 930, सेल्स रिटर्न क्रेडिट बैलेंस 196, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 10,908। निम्नलिखित शेष के आधार पर 30 जून 2008 को तलपट बनाइए। वेतन 5,000, सैलरी 5,000, बिल्डिंग 40,000, कैपिटल 66,000, बिल्स पेबल 11,600, डेटर्स 16,000, इंश्योरेंस 550, क्रेडिटर्स 18,100, बिल्स रिसीवेबल 5,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000, कमीशन रिसीव 6,000, डोनेशन 300, परचेस 10,000, सेल्स 22,000, परचेस रिटर्न 300, सेल्स रिटर्न 700, कैश इन हैंड 62,450। इस प्रश्न में तलपट हमको बनाना है। तलपट के लिए हम तीन कॉलम का एक विवरण तैयार कर लेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम पर्टिकुलर यानी कि विवरण लिखेंगे और सेकेंड और थर्ड कॉलम में हम डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। सैलरी क्योंकि एक प्रकार के एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे, सैलरी 5,000 डेबिट साइड। सेकेंड बिल्डिंग 40,000, बिल्डिंग क्योंकि एसेट्स है इसलिए ये डेबिट में आएगी, बिल्डिंग 40,000 डेबिट साइड। कैपिटल 66,000, कैपिटल क्योंकि लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में आएगा, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है।
तो हम लिखेंगे कैपिटल 66,000 क्रेडिट में। बिल्स पेबल 11,600, क्योंकि ये लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस आएगा इसका। बिल्स पेबल 11,600 क्रेडिट में। डेटर्स 16,000, डेटर्स हमारे एसेट्स हैं इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। डेटर 16,000 डेबिट में। इंश्योरेंस 550, इंश्योरेंस क्योंकि एक प्रकार का एक्सपेंस है इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे। इंश्योरेंस 550 डेबिट साइड। क्रेडिटर लाइबिलिटी है हमारी इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिटर्स 18,100 क्रेडिट में। बिल्स रिसीवेबल 5,000, बिल्स रिसीवेबल एक प्रकार का एसेट्स है हमारे लिए, इस पे हमको अमाउंट रिसीव होती है इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होगा, तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल डेबिट में 5,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000, बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार की लायबिलिटी है इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000 क्रेडिट। कमीशन रिसीव 6,000, कमीशन क्योंकि रिसीव हो रहा है, रिसीव है हमारे लिए प्राप्ति है, क्रेडिट साइड में आएगा। कमीशन रिसीव 6,000 क्रेडिट में। डोनेशन 300, डोनेशन दान हम दे रहे हैं एक प्रकार का, वह मान सकते हैं हम इसको एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे। डोनेशन डेबिट साइड में 300। परचेस क्रय डेबिट बैलेंस होता है, जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं गुड्स आता है हमारे पास तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे परचेस 10,000। सेल क्रेडिट बैलेंस होता है, जब भी हम सेल करते हैं गुड्स हमारे पास से जाता है तो हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। सेल्स 22,000। परचेस रिटर्न, जब भी हम परचेस रिटर्न करते हैं खरीदा गया माल वापस करते हैं, माल जाता है हमारे पास से इससे क्रेडिट में आता है तो परचेस रिटर्न हम लिखेंगे क्रेडिट में 300। सेल्स रिटर्न 700, जब भी हम सेल्स रिटर्न करेंगे माल हमारे पास आएगा और आएगा इसलिए डेबिट होगा तो इसे हम डेबिट में लिखेंगे। सेल्स रिटर्न 700। कैश इन हैंड, कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है हमने वीडियो में देखा, तो ये डेबिट में आएगा 62,450। टोटल हम कर लेंगे इस ट्रायल बैलेंस का जो कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड आएगा 1,40,000। निम्नांकित शेष राहुल की पुस्तकों में दिए गए हैं, इनके आधार पर तलपट तैयार कीजिए। कैश 2,450, कैपिटल 20,000, सैलरी 2,000, बिल्स पेबल 1,600, बिल्डिंग 20,000, ओपनिंग स्टॉक 6,000, डेटर्स 5,000, क्रेडिटर्स 13,000, इंश्योरेंस 550, बैड डेब्ट्स प्रोविजन 500, बिल्स रिसीवेबल 2,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000, कमीशन रिसीव 3,000, वेजेस 300, परचेस 10,500, सेल 25,000, परचेस रिटर्न 200, क्लोजिंग स्टॉक 8,000। चलिए इसके लिए हम तलपट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम थ्री कॉलम वाला एक स्टेटमेंट, सबसे पहले हम थ्री कॉलम वाला एक विवरण तैयार कर लेंगे जिसमें पहले कॉलम में हम पर्टिकुलर यानी कि विवरण लिखेंगे और सेकंड कॉलम में डेबिट अमाउंट एंड थर्ड कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। कैश दिया गया है 2,450, कैश डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड में हम लिख देंगे कैश 2,450। कैपिटल 20,000 की है, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल आ जाएगा क्रेडिट साइड में 20,000। सैलरी 2,000, सैलरी क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है तो डेबिट साइड हम लिखेंगे सैलरी 2,000। बिल्स पेबल एक प्रकार की लायबिलिटी है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम लायबिलिटी साइड इसके अमाउंट लिखेंगे। बिल्स पेबल क्रेडिट साइड में 1,600, बिल्डिंग 20,000, बिल्डिंग हमारे लिए फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो हम लिखेंगे बिल्डिंग और 20,000 डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 6,000 जो कि डेबिट में आएगा क्योंकि स्टॉक है एसेट्स है। डेटर्स दिए गए हैं 5,000 के, डेटर्स हमारे लिए एसेट्स है और ये डेबिट साइड में आएगा।
क्रेडिटर दिए गए हैं 13,000 के, क्रेडिटर क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा 13,000। इंश्योरेंस दिया गया है, इंश्योरेंस एक प्रकार की का एक्सपेंस है हमारे लिए और एक्सपेंस हमेशा डेबिट आता है तो ये डेबिट साइड में आएगा इंश्योरेंस 550। बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 500 दिया गया है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एक प्रकार की लायबिलिटी है, जितने भी प्रकार के हम प्रोविजन रिजर्व बनाते हैं सब हम लायबिलिटी के अंतर्गत लिखते हैं और लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये क्रेडिट साइड में आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 500। बिल्स रिसीवेबल 2,500, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 2,500। बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000 क्योंकि लायबिलिटी है हमारे लिए, बैंक से हमने एक्सेस अमाउंट निकाल ली जितनी की हमारे बैंक में थी नहीं तो ये हमारे लिए एक प्रकार की लायबिलिटी है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000 लायबिलिटी यानी कि क्रेडिट साइड में। कमीशन रिसीव 3,000, कमीशन हमने रिसीव किया है और क्योंकि रिसीव किया है तो ये क्रेडिट में आएगा, प्राप्ति है हमारे लिए तो यहाँ हम लिखेंगे कमीशन रिसीव और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 3,000। वेजेस 300, वेजेस एक्सपेंस एक प्रकार का, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है तो हम वेजेस के डेबिट साइड में लिखेंगे 300। परचेस हम लिखेंगे 10,500 डेबिट साइड में क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, परचेस 10,500 डेबिट में। सेल 25,000, जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास से गुड्स जाएगा और जाएगा इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 25,000। परचेस रिटर्न, जब परचेस रिटर्न होगा तो उस कंडीशन में गुड्स हमारे पास से जाएगा तो इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे परचेस रिटर्न 200। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है हमारे लिए इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 8,000। टोटल हम ट्रायल बैलेंस का करते हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड 57,300 आएगा। निम्नांकित शेष के आधार पर तलपट तैयार कीजिए। कैपिटल 1,772, सेल 1,790, डिस्काउंट डेबिट 20 रुपीज, फर्नीचर 100 रुपीज, टैक्स 32 रुपीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 31 रुपीज, सैलरी 75 रुपीज, बैंक बैलेंस 229 रुपीज, बिल्डिंग 748 रुपीज, जनरल एक्सपेंसेस 72 रुपीज, डिस्काउंट रिसीव 20 रुपीज, सन्ड्री डेटर्स 483 रुपीज, सेल्स रिटर्न 20 रुपीज, परचेस 855 रुपीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स 343 रुपीज, ओपनिंग स्टॉक 1,240 रुपीज, कैश इन ऑफिस 20 रुपीज। इस प्रश्न में हमको तलपट बनाना है, आइए स्टार्ट करते हैं। जिस हम तीन कॉलम वाला एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में विवरण लिखेंगे, सेकंड कॉलम में डेबिट अमाउंट और थर्ड कॉलम में क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कैपिटल का, कैपिटल क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में आएगी 1,772। सेल्स क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में आएगा। सेल्स क्योंकि सेल्स के कंडीशन में गुड्स हमारे पास से जाता है इसलिए क्रेडिट में आएगा 1,790। डिस्काउंट क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ पर डेबिट दिया गया है तो डिस्काउंट को हम डेबिट अमाउंट में लिखेंगे। डिस्काउंट के बारे में जिस तरह की जानकारी दी जाती है वैसे ही हम उसकी एंट्री करते हैं, अगर डेबिट लिखा है तो डेबिट साइड में लिख देते हैं, वो कटौती दिया माना जाएगा। अगर क्रेडिट लिखा है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, वो कटौती प्राप्त माना जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार की जानकारी के अभाव में हम डिस्काउंट की जो अमाउंट होती है उसको डेबिट में ही लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फर्नीचर, फर्नीचर क्योंकि एक फिक्स एसेट्स है तो 100 रुपीज से हम इसकी डेबिट में एंट्री करेंगे। फिक्स एसेट्स का जो बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में इसकी एंट्री करेंगे। टैक्स दिया गया है 32 रुपीज, ये एक प्रकार का एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट में लिखते हैं तो 32 रुपीज ये डेबिट में आ जाएगा टैक्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट है 31 रुपीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे हम एक्सपेंस करते हैं, ये एक प्रकार का एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा 31 रुपीज। सैलरी क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा 75 रुपीज।
बैंक बैलेंस एसेट्स है, हमारे पास बैंक में जो कैश रखा हुआ है इसलिए वो डेबिट में आएगा, तो बैंक बैलेंस हम लिखेंगे 229 रुपीज डेबिट साइड में। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा तो ये हमको समझ जाना है कि ये हमने जो बैंक में हमारे पास था उससे ज्यादा हमने विड्रॉल किया है, तो उस कंडीशन में हम उसको लाइबिलिटी मान के क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट, बिल्डिंग दी गई है 748 की, बिल्डिंग क्योंकि एसेट्स है हमारे लिए इसलिए डेबिट होगा 748। जनरल एक्सपेंसेस है 72 रुपीज के, जनरल एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंस है और एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट होगा 72 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि डिस्काउंट रिसीव हुआ है, रिसीव जो है जितने भी अमाउंट होते हैं वो सारे क्रेडिट में आते हैं, तो ये 20 रुपीज जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स 483, क्योंकि डेटर्स हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स डेबिट साइड 483। सेल्स रिटर्न, जब सेल्स रिटर्न होगा तो उस कंडीशन में गुड्स हमारे पास आएगी इसलिए डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न 20 रुपीज। परचेस दिया गया है 855, जब हम परचेस करेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा, परचेस डेबिट होता है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे परचेस 855। क्रेडिटर्स दिए गए हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 343, क्रेडिटर्स है ये लाइबिलिटी है हमारे लिए और लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होती है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 343। प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 1240, जिसको कि हम डेबिट साइड में लिखेंगे 1240। और कैश इन ऑफिस दिया गया है, कैश है हमारे लिए ये एक प्रकार का एसेट्स है इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे कैश इन ऑफिस 20 रुपीज। टोटल हम कर लेंगे ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड का टोटल 3925 रुपीज आएगा।